तो दोस्तों, हाय दोस्तों, कैसे हो आप? आज है 30 दिसंबर। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं आज व्लॉग शूट कर रहा हूँ। शायद पता नहीं कब डालूंगा, मुझे भी नहीं पता। बहुत से व्लॉग शूट किए मैंने ऐसे फोन में पड़े हुए, बाकी देखते हो। दोस्तों, मेरे साथ दो बंदे चले हुए हैं, भाई है उमेश भाई एंड विशाल भाई। और अभी हम तार देवी आए हैं, तो तार देवी से नीचे शिव गुफा है, वहाँ पर जा रहे हैं। अभी दिखाते हैं आपको भी, और हम भी पहली बार जा रहे हैं। रास्ता बहुत सुनसान है, देख सकते हो। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ठंड बहुत है यहाँ पर, बर्फबारी का सारे रास्ता बड़ा भयानक है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर बोर्ड लगा है बाबा जी की कुटिया। यहाँ पर शिव गुफा कहाँ है हमें भी नहीं पता। अभी चलते आगे, दिखाते हैं आपको भी और खुद भी देखते हैं कहाँ। जैसे बाकी यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम है, मतलब ठंड तो दूर है लेकिन बड़ी नेचर भी वाइब्स आ रही है, नेचर वाइब्स। हमारे पोगा जी और यहाँ पर व्यू देख सकते हो आप चारों तरफ। ये हमारे बड़े भैया जी, और यहाँ पर कुआं जैसा है कुछ, आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पर है कुछ लग रहा है, शायद बाबा जी की कुटिया यहीं पे है जो ऊपर बोर्ड लगा हुआ था। बाकी हम आ तो गए लेकिन पता नहीं कहाँ निकले गए जाके, शायद ठहरने के लिए हैं, पता नहीं क्या है सर। बीच जंगल में एक कुटिया जैसी है, मतलब रैन सेंटर टाइप है। और हमारे भाई जी चले हुए, साथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, बैटरी डाउन हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने ऊपर 300 से अधिक फोटो खींचे हैं। बाकी डाले गए तो यही जाने, आप सोच समझ सकते हो 300 फोटो। भाई देख सकते हो यहाँ पर पूरा नेचुरल वाइब आ रही है। पेड़ कुछ अलग ही तरीके के हैं, देखो ऐसे ही होते हैं यार। तो दोस्तों, ये है वो जगह शिव गुफा, ऐसा नाम था कुछ लिखा हुआ यहाँ पर, शिव गुफा तो होगी क्या, पता नहीं, मंदिर जरूर है। देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी जगह पर है। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, लगता नहीं यहाँ पर आता होगा कोई, आता तो भी होगा शायद। बाकी भाई लोग पीछे फोटोग्राफी कर रहे हैं, जमाना फोटोग्राफी का। लगता तो नहीं यहाँ पर होगा कोई,